अभी आप लोग जब पार्टी कांग्रेस पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे म्यूनिसिपल इलेक्शन हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव है, उस वक्त सारे नेता नहीं आ पाए, पर आपको लगता है नहीं कि इस वक्त आप सभी को बंगाल में होना चाहिए था? सबसे बड़ी लड़ाई है विधानसभा चुनाव से पहले जी, बिल्कुल होना चाहिए था, और ये भी पता था, एटलीस्ट हम लोगों को तो पता ही था कि जब भी हम किसी भी कोई भी डेट अनाउंस करेंगे हमारी पार्टी कांग्रेस के लिए, उन्हीं डेटों में बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ये चुनाव करवाएगी। ये भी एक चुप्पा लुकी बोलते हैं बंगाली में, वो खेल मतलब वो चल रहा था। तो खैर कुछ लोग तो आपको जाना पड़ रहा है, जाएंगे यहाँ से भी वापस। लड़ाई बड़ी तीव्र होगी, हिंसा अब और बढ़ेगी, अफसोस की बात यह है। और अभी तक तो 99 लोगों का खून हुआ सुना, अब ये हिंसा की राजनीति और बढ़ेगी, और इसी के आधार पर वो अपनी जबरदस्ती अपनी मेजोरिटी को बरकरार रखना चाहती है। सीतारम, कैसे क्या आशाएं हैं इन चुनावों से? कम से कम 100 म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, कोई जो अभी सर्वे आ रहे हैं सब में देखा जा रहा है कि खास आप लोग रीगेन नहीं कर पाए हैं, और टीएमसी तो कहीं कहीं सीपीएम ने उम्मीदवार भी उठा लिए हैं, एक तरफा जीत गई है। अब देखिए नतीजे जो आएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से इस बार जो है ये बेहतर होगा, पिछले बार के मुकाबले में बेहतर होगा।